104, थोड़ी सी चोट जरूर आई है वहां पर नरेंद्र बांगुरे को, क्योंकि कल जो चोट आई थी उनको, कल गेंदबाजी में करते समय उनका पैर थोड़ा सा और उस इंजरी को कैरी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी चोट जरूर आएगी। लेकिन बहुत ही फिट खिलाड़ी हैं नरेंद्र मांगुरे, और खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। देखेंगे अब ये कप किसके झोली में जाता है। तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि तकदीर बनाने वाले तूने कभी कमी न की, तकदीर बनाने वाले तूने कभी कमी न की, लेकिन अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। देखेंगे किसके मुकद्दर में यह ट्रॉफी। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, फिजियो वहां पर गए हैं। काफी वक्त है खिलाड़ियों के पास, पूरी टीम अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की जमी हुई है। थोड़ा सलाह मशवरा चल रहा है किस तरह के गेंदबाजी की जाए, किस तरह से विकेट चटका जाए, एक रणनीति बनाने का मौका है। लेकिन जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, मैं बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है शुरू से, मैं बता रहा हूं कि 58 रन की साझेदारी जो बनाकर दी है आरंभिक बल्लेबाजों ने, हबीब ताड़पत्री और सुदनवा कुलकर्णी ने 58 रन की साझेदारी पहले विकेट में, और दूसरे विकेट में 41 रन की साझेदारी हुई। तो ये दोनों साझेदारी बिल्कुल महत्वपूर्ण, एक अच्छा रोल निभाया है, एक अच्छी समझबूझ बल्लेबाजी करते हुए। कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, और एक अच्छी समझबूझ भरी बारी खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। फिर से वापस तैयार वापसन शाहपुरकर, नरेंद्र मांगुरे फिर से तैयार हो रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कट करने का प्रयास किया, चूके बुरी तरह से, एक हल्की सी आह भरी विकेट कीपर ने, लेकिन उत्साह ज्यादा, अंपायर पर कोई असर नहीं। राजू बड़वन्ना चिपर वापस तैयार, एक रन आसानी के साथ, जब तक कि सरफराज मुल्ला गेंद को फील्ड करते, एक रन लेने का मौका था, और से एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 105, मात्र 30 रन की जरूरत है, 24 गेंदों का खेल शेष है, और 24 गेंदों में 30 रन बनाने हैं, एक आसान सा लक्ष्य है, और 8 खिलाड़ी अभी भी उनके डगआउट में बल्लेबाज मौजूद हैं। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए यहाँ से जीत के लिए साईराज वॉरियर्स को। और जो मैच क्वालिफायर खेला गया था साईराज वॉरियर्स और अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के बीच में, और अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स ने उस मैच को जीतकर बिल्कुल हरा दिया था साईराज वॉरियर्स को, आज बदला लेने का मौका है साईराज वॉरियर्स के पास, उलटफेर करने का आज मौका मिला, और उस मौके को थर्ड में है बिल्कुल करीब उस जीत के, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक रणनीति के तौर पर उन्होंने, आरंभिक बल्लेबाजों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, 58 रन की साझेदारी, और दूसरे विकेट के लिए भी 41 रन की साझेदारी, अब तीसरे विकेट की भी अच्छी साझेदारी चलती हुई नरेंद्र मांगुरे और हबीब ताड़पत्र के बीच में। संतोष छोड़गे पाटिल तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, ओ बहुत ही एग्रेशन दिखाया वहां पर, होनी चाहिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। संतोष छोड़गे पाटिल अच्छी गेंद खोद कर खेला था नरेंद्र मांगुरे ने, और फॉलो टू में फिट करने के बाद स्टंप की ओर
गेंद को फेंका था, कोई नुकसान नहीं, वापस तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, थोड़ी सी नीची रही गेंद, लेकिन विकेट कीपर ठीक से गेंद को गैदर नहीं कर पाए। गेंद फाइनले की दिशा में जा रही है और 22 का इशारा होता हुआ अंपायर निखिल मालगी कर रहे हैं 22, और इस अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 106 रन। आज काफी दर्शक इस मैच का आनंद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। और क्रॉस बैटेड शॉट उसको खेला है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हबीब ताड़पत्रे ने इसको एक रन हबीब ताड़पत्रे के खाते में, और हबीब जाकर पहुंचे 51 रन पर। और नरेंद्र मांगुरे खेल रहे हैं 4 रन पर। और बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग फॉलो टू में, और क्या चाहिए। बहुत अच्छी रनिंग बेटी, बहुत ही अच्छा क्रिकेट, और बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। संतोष चौगे पाटिल बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग फॉलो टू में, इतना और तेजी के साथ रिएक्शन उन्होंने किया फॉलो टू में, बहुत ही तेज तरह शॉट था नरेंद्र मांगुरे का, लेकिन उतने ही चुस्त और मुस्तैद थे फॉलो थ्रू में संतोष शुर्गे पाटिल, और बहुत ही तेज तरह शॉट था और उसको अड़ाने में कामयाब हुए थे। नचा नित्य रूप से गेम सीमा रेखा के बाहर जाती, क्या कहना चाहेंगे चेतन बैलूर इस अब तक के इस मैच के बारे में, इस तरह की फील्डिंग के बारे में चेतन। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट जी, बिल्कुल मंसूर, ये बात तो बहुत हो रही है, लेकिन शायद पहले 3-4 ओवरों में अगर बखूबी ऐसी फील्डिंग देखने को मिलती, शायद कैच भी अगर वो चीज़ें अगर याद करें तो इस वक्त जो स्कोर बोर्ड दिख रहा है तो 4-5 विकेट हो सकता है, बहुत ही बढ़िया हुआ नहीं जो होना चाहिए था, लेकिन ये क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बहुत ही बढ़िया क्रिकेट जा रहा है ये मैच, धीरे धीरे अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर की तरफ से निकलते हुए फिसलता हुआ, और बहुत ही बढ़िया इस मैच पर सहरा शिकंजा और पकड़ कसता हुआ, और बहुत ही बढ़िया और भी अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल नीची रही और विकेट कीपर ने भी गैदर किया खूबसूरती के साथ, अपने उसके पैरों का सहारा लिया, और बहुत ही बढ़िया कृष्ण संघ मित्रा ने बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में और 3 मात्र खिलाड़ी, और बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। और शराब गेंद तीपू किया है 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं था, बढ़िया टाइमिंग भरा शॉट, हबीब ताड़पत्री दौड़ा, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैक फुट पर गए, उस गेंद को पुल किया, स्क्वायर लेग के बाहर 4 रन के लिए, लेकिन तेज गेंद 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं था स्वप्निल लेले के पास उस गेंद को रोकने का, ओवर की समाप्ति, और शराब गेंद तीपू किया है 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं था। 17 ओवर के समाप्ति के बाद 112 रन, 2 खिलाड़ियों की कुल किया है 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं था। 23 रन की जरूरत है, मात्र 18 गेंदों का खेल शेष है, 18 गेंदों में 23 रन की जरूरत है। 18 गेंद की कुल किया है 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं था। षटकांच्या समाप्ति नंतर साईराज वॉरियर्स संघाची धाव संख्या 112 धावा, 2 गड़ी बाद ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 112 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 23 ರನ್ ಜರುರತ್ ವಸಂತ್ ಶಾಪುರ್ಕರ್ ದೂರ್ವಾಲೆ ಚೋರ್ ಸೆ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಹೈ ನರೇಂದ್ರ ಮಾಂಗುರ್ गेंद बैक पर जाकर उसका लाइन के सहारे उस गेंद को मोड़ दिया है, लेकिन जब तक ये परीक्षित वकुंद आते गेंद को फील्ड करते
धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 113 रन। और खराब गेंद की तुलसी है 4 रन के लिए कोई मौका नहीं था। पंच किया उस गेंद को 1 रन आसानी के साथ। विकेट बढ़िया खेल रहा है। और खराब गेंद की तुलसी है 4 रन के लिए कोई के लिए आज मौका नहीं था। गेंद बल्ले पर ठीक ठाक आ रही है। और खराब गेंद की तुलसी है 4 रन के लिए कोई मौका नहीं था। उसको गेंद को मोड़ दिया है फैलने की दिशा में। जब तक कि अनंत कन्नूर गेंद को फील करते हैं, नरेंद्र मांगर के पास मौका था 1 रन लेने का। और रन संख्या और खराब गेंद की तुलसी है 4 रन के लिए कोई मौका नहीं था। मतलब 20 रन की जरूरत। और खराब गेंद की तुलसी है 4 रन के लिए कोई मौका नहीं था। जोरदार और आउट करार दिया है नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हुए वहां पर नरेंद्र मांगुरे। तेज शॉट था लेकिन तारीफ करनी होगी बॉलर की। उन्होंने थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया। अंपायर का तो कॉल आउट है लेकिन रेफरल लिया है बल्लेबाजों ने। एक मौका है रेफरल लेने का तो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज। रेफरल मांगा है और थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया है। थर्ड अंपायर के डायरेक्टर फॉर द रन आउट डिसीजन। थर्ड अंपायर का डिसीजन आउट है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा नरेंद्र मांगुरे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। वसंत शापुरकर ने तेजी से अपना हाथ आगे किया था और गेंद उनके हाथ को छू कर जाकर लगी थी स्टंप पर और तब अपने लक्ष्मण रेखा को छोड़ चुके थे नरेंद्र मांगुरे और निराश होकर वापस जा रहे हैं। तीसरा विकेट का पतन हो रहा है। अभी भी 20 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। बाकी बचे 14 गेंदों में 14 गेंदें और 20 रन की जरूरत और कप्तान अब अभिषेक देसाई आ रहे हैं। एक एक अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं साईराज वारियर के पास। चौदह गेंदों में 20 रन जरूरत। हल्के से धकेला है लेकिन हबीब ताड़पत्री एक और अपना विकेट बचाते हुए खेल रहे हैं। आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं और कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई उन्होंने। 57 रन बनाकर खेल रहे हैं। 116 रन। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की। खड़े खड़े गेंद के पिच पर तक नहीं पहुंचे अभिषेक देसाई। खड़े खड़े गेंद को खेलना चाहा और गेंद टर्न होकर बाहर की तरफ निकली और ओवर की समाप्ति। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 116 रन 12 गेंदे और जीत के लिए। उन्नीस रन की जरूरत है। 12 गेंदे और 19 रन। देखिए अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी भी पिक्चर बाकी है। देखेंगे 12 गेंदों में 19 रन की दरकार है। क्या रोक पाएंगे इस 19 रन या तो इस 19 रन को बना पाएंगे? अब थोड़ी देर में पता चलेगा। कोशिश जरूर दोनों ओर से हो रही है
और अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स ने भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं मैच को बनाने की। जिस तरह से कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, समंदर में डूब कर नैया यूं ही पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश जारी है लगातार दोनों ओर से। अच्छी गेंद, देखिए 11 गेंदें और 19 रन अभी भी मैच, जब तक मैच की गेंद की आखिरी गेंद फेंकी नहीं जा सकती, कहना बिल्कुल असंभव नजर आ रहा है। 11 गेंदें और 19 रन, ऑफ स्टंप के बाहर और अच्छी गेंद। अब अचानक वापस आ रहे हैं अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर, 10 गेंदें 19 रन। देखिए अब 9 गेंदों का फासला हो रहा है धीरे धीरे, अब मैच बहुत ही और रोमांचक मोड में पहुंचता हुआ। 10 गेंदें 19 रन, क्या फाइनल मुकाबला। और खोद कर खेला इस बार, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी स्लॉग ओवर्स में। बहुत ही बढ़िया, 9 गेंदों में 19 रन की जरूरत, अच्छी गेंद, सीधे ब्लॉक होल्ड भी गेंद करा रहे हैं। 9 गेंदों में 19 रन की जरूरत। और हबीब ताड़पत्री अब तक 3 गेंदें लगातार, नौ गेंदे 19 रन। और फिर से बढ़िया वहां पर फील्डिंग करने का प्रयास, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, अच्छी बैकअप कर रहे थे वहां पर परीक्षित वकुंद। आठ गेंदे 18 रन की जरूरत, 10 रन का फासला है, रन और गेंद के बीच में 10 रन का फासला। एक बड़ी हिट, फिर से वापसी का मौका है, इट इज एनीबडीज गेम। अभी भी दोनों के तरफ मौके हैं जरूर। 8 गेंदे 18 रन, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ इस टारगेट को पार करेगी, लेकिन अचानक फिर से, मैं पहले से बता रहा हूँ, 21 बहुत ही गिरगिट की तरह रंग बदलता है खेल, अभी भी पता नहीं है ऊंट किस करवट बैठेगा। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया वापसी इस 18 ओवर में, 19 ओवर में कर रहे हैं संतोष चुड़गे पाटिल। 4 गेंदों में मात्र 1 रन दिया है उन्होंने। और फुल टॉस, इस बार फुल टॉस बनाकर खेला है एक अभिषेक देसाई ने, और एक ही रन मिलेगा। 7 गेंदे और 17 रन, 7 गेंदे 17 रन, बढ़िया ओवर अब तक चलता हुआ। मात्र 5 गेंदों में 2 रन दिए हैं संतोष चोड़गे पाटिल ने, काबिले तारीफ है बिल्कुल, कितने भी तारीफ की जाए उतनी कम है, जितनी भी तारीफ की जाए इस ओवर की। और अच्छी फील्डिंग वहां पर परीक्षित वक्कुन द्वारा, एक ही रन मिला, 6 गेंदे और 16 रन। देखिए कहां से कहां फिर मैच वापसी में जरूर लौटे हैं, आखिरी 6 गेंदे और 16 रन। वेल क्या फाइनल मुकाबला चलता है, जिस तरह की हमने उम्मीद की थी इस मेगा फाइनल की, उसी की तरह मैच होता हुआ, पूरा पैसा वसूल यह मैच। 6 गेंदे 16 रन, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ इस लक्ष्य को पूरा करेगी साइना कुमारिया, लेकिन अचानक ऐसा आया 19 ओवर, 3 रन मात्र थे इस ओवर में संतोष चोड़गे पाटिल। तो इस आखिरी ओवर लेकर अब चोड़गे करके हाथ में सोते हैं कप्तान संतोष चोड़गे पाटिल ने,
दांतों पले उंगलियां चलाने वाला है मैच, धड़कने बढ़ा रही है दर्शकों के और डगआउट में भी दोनों की धड़कने तेज होती है। नेल बैटिंग करके हाथ में गेंद है, दूर रत्नाकर शेट्टी मेमोरियल टी ट्वेंटी क्रिकेट के टूर्नामेंट मेगा फाइनल चलता है। आखिरी छह गेंदे हैं इस फाइनल मुकाबले की, छह गेंदे हैं, रन बनाने हैं 16। देखेंगे क्या होता है। काफी सलाह मशुरा चलता हुआ, हरू होना भी चाहिए और हबीब ताड़पत्री स्ट्राइकर पर देखेंगे आरंभिक बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब उनको गेंद काफी आंखें जमी हुई हैं वहां पर हबीब ताड़पत्री की, किस तरह का फायदा उठाते हैं इस आखिरी छह गेंदों में। ज्ञानेश वनगेकर राइट आर्म ओवर द विकेट दूर वाले छोर से, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक डीप कवर। ज्ञानेश और गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद पैर पर टकराई और देखेंगे लेग्स बाय का इशारा आता हुआ। लक्ष्य पर गेंद थी, मौका था जरूर, अगर गेंद बल्ले पर लगती तो फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गेंद पैर पर टकराई और लेग बाय के रूप में एक ही रन मिलता हुआ, 5 गेंदें और 15 रन। की जरूरत अभिषेक के पास क्षमता है, बिल्कुल कप्तानी बारी अभिषेक को खेलनी होगी और उसको उठा दिया। गेंद हवा में जरूर है, देखेंगे दौड़ रहे हैं पीछे और असन शाहपुरकर के हाथों से कैच छूटता हुआ, थोड़ा सा मुश्किल जरूर था लेकिन मौका था जरूर, लेकिन मुश्किल कैच कहूंगा मैं क्योंकि पीछे दौड़कर उस कैच को लेना उतना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश जरूर की थी लेकिन इसमें 2 रन दौड़कर 4 गेंदे 13 रन 4 गेंदे 6 और 13 रन बनाने हैं। काफी रोमांचक और उसको उठा दिया है, देखेंगे कैच हवा में है जरूर लेकिन नहीं ले पाए स्वप्न लड़वे, इस बीच 2 रन दौड़ कर पूरा किया बल्लेबाजों ने, बढ़िया फील्डिंग, जाने नहीं दिया स्वप्न लड़वे ने, झोंक लगाई थी उस कैच को लेने में लेकिन गेंद बदन पर टकराने दिया, बाउंड्री नहीं छोड़ी उन्होंने। 3 गेंदे 11 रन देखिए कहां से कहां मैच आ रहा है, 3 गेंदे और 11 रन की जरूरत, एक बड़े हिट की जरूरत है, एक चौका अगर एक छक्का लगता है तो निश्चित रूप से और बहुत ही मजा आएगा। काफी आवाज हो रहा है, काफी दर्शक और एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद थी और इस बीच रनआउट का मौका था और जरूर रनआउट हुए वहां पर अभिषेक देसाई, 2 गेंदे और 11 रन की जरूरत, अब बहुत ही मुश्किल हो रहा है, 2 गेंदे 11 रन, एक छक्का एक चौके की जरूरत है तो भी मैच टाई होगा, 2 छक्के चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, यहाँ से कोई अब मौके नहीं है, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाने होंगे इस मैच को जीतना है, तो अगर एक छक्का और एक चौका लगता है तो मैच टाई पर समाप्त होता है। देखेंगे मैच पूरा अब पकड़ जो है, फिर से गेंद ने पलटी ली है, करवट बदला है और गेंद ने करवट ली है, 2 गेंदों में 11 रन की जरूरत है। अब स्ट्राइक हबीब ताड़पत्री लेंगे, दो
गेंदों में क्या रहा है, लेकिन कहां से कहां मैच पूरा एक तरफा लग रहा था। लेकिन हम शुरू से कहते हैं क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा खेल माना जाता है पूरी दुनिया में, इसी तरह इसीलिए T20 क्रिकेट इतना पॉपुलर है वर्ल्ड में। दो गेंदों में 11 रन नैनेश और इसको उठा दिया है कि देखेंगे क्या होता है। और बढ़िया फील्डिंग वहां पर कर रहे हैं, एक ही रन मिला। जी हाँ, और बहुत ही मेरे ख्याल से चोट जरूर आई है स्वप्निल लगाकर, उन्होंने तारीफ काबिल तारीफ। स्वप्निल लड़वे ने डाइव लगाकर अपने आप को झोंक दिया लेकिन बाउंड्री नहीं जाने दिया, बिल्कुल आराम से पूरी एक ही रन मिला। एक गेंद में 10 रन की जरूरत है, अब कोई भी बल्लेबाज एक गेंद में 10 रन नहीं बना नहीं होगी तो निश्चित रूप से एक गेंदों में 10 रन की जरूरत है। आपको झुक दे नहीं तो नीचे गेंद सीमा रेखा पर पार कर जाएंगे। अपने लड़े काफी मेहनत करता है वो लड़का, इधर से उधर इतना दौड़ता है बिल्कुल चारों ओर फील्डिंग करता है। और बिल्कुल जो कप्तान है उसको होनी चाहिए, जिस तरह के कप्तान को होनी चाहिए उसी तरह का आउट। और मात्र एक गेंदों में 10 रन की जरूरत है, थोड़ी चोट जरूर आई है ज्यादा गंभीर न हो ऐसी उम्मीद करते हैं। और बहुत ही जुझारू खिलाड़ी है, हार तो मानने वाले हैं, स्पष्ट है उनको आखिरी गेंद है, देखेंगे या फील्डिंग कर पाएंगे या नहीं। जी हाँ बिल्कुल तैयार है, ऐसा लग रहा है। क्या फाइनल मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में दूसरा एडिशन में जिस तरह का फाइनल होना चाहिए था, जिस तरह से आशाएं लगाकर बैठे थे पूरा हो गया। 125 रन जीत के लिए 10 रन की दरकार, गेंदे बचे हैं एक रन चाहिए 10। बिल्कुल जीत मैंने पहले बता चुका था कि तब्दील बिल्कुल चमचमाती है एक गेंद शेष, कुछ ही लम्हों का खेल बाकी है, काफी सलाह मशवरा है ये चले मैंने। और फुल टॉस गेंद और उसको गेंद को घुमा दिया है 4 रन के लिए। और इस बीच 4 और फुल टॉस गेंद और उसको गेंद को घुमा दिया है 4 रन के लिए। बॉल की मांग कर रहे थे जरूर बल्लेबाज लेकिन और फुल टॉस गेंद और उसको गेंद को घुमा दिया है 4 रन के लिए मैंने सुन लिया। और इस तरह से मैच जीत लिया है 5 रनों से, इस मैच को जीत लिया है और उसको गेंद को घुमा दिया है 4 रन के लिए। अर्जुन स्पोर्ट्स फुगरी टाइगर्स ने धीमी गेंद की थी परिवर्तन के तौर पर, फुल टॉस गेंद और उसको खेल दिया था स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर हबीब ताडपत्री ने 4 रन के लिए। जीत के लिए 10 रन चाहिए थे
चार रन बने और पांच रन से इस मैच को जीत लिया है टाइगर्स ने। देखिए आप किस तरह का यह मैच होता हुआ, ऐसे लग रहा था कि आसानी के साथ चार रन के लिए साईराज वॉरियर्स इस मैच को जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए रोमांचक और उल्टा गेंद और उसको गेंद को घुमा दिया है चार रन के लिए और उल्टा गेंद और उसको गेंद को घुमा दिया है चार रन के लिए। अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ अपना नाम कोरेगी इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर। पहले विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी, दूसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी, ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ मैच जीतेगी, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ। और उल्टा गेंद और उसको गेंद को घुमा दिया है चार रन के लिए। और इस बीच इस मैच को जीत लिया है और उल्टा गेंद और उसको गेंद को घुमा दिया है चार रन के लिए। और उल्टा गेंद और उसको गेंद को घुमा दिया है चार रन के लिए। ग्राउंड पर पूरा पैसा वसूल मैच था और उल्टा गेंद और उसको गेंद को घुमा दिया है चार रन के लिए। गलत नहीं हुआ। 19वें ओवर में जो संतोष सुर्गे पाटिल ने गेंदबाजी की मात्र 3 रन के ओवर में घुमा दिया है चार रन के लिए अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स ने। और उल्टा गेंद और उसको गेंद को घुमा दिया है चार रन के लिए। और उल्टा गेंद और उसको गेंद को घुमा दिया है।